आज से कुछ दिन पहले इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल रणवीर अलाहाबाद के दो चैनल हैक हुए। सारी वीडियोस को डिलीट करके क्रिप्टोकरेंसी की वीडियोस पोस्ट करी गई और सेम इसी प्रोसेस से कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल का भी यही हाल हुआ। कैसे? और उसी दिन एक इंस्टाग्रामर जिसके 1,00,000 फॉलोअर हुए ही थे उसका पेज हैक हो गया। कैसे? I4C के अकॉर्डिंग डेली के 7,000 केस रजिस्टर होते हैं एंड आपको पता है 10 में से 9 लोग तो केस रजिस्टर ही नहीं करते। अब जरा इसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके देखो, 70,000 डेली के केसेस बन रहे हैं। ये कुछ नहीं, लाखों करोड़ों की हैकिंग है और ये पूरा का पूरा पैसा इंडिया से बाहर जाता है। एंड आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि ज्यादातर हैकिंग यानी कि 95% जो स्कैम्स होते हैं वो ह्यूमन एरर के कारण होते हैं। डेबिट कार्ड अपडेट करना है सर, OTP देना। माता जी, प्रधानमंत्री योजना स्कीम में आने के लिए आपको आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा। मेरे फोन में बैटरी लो है, मुझे चार्जर मिल सकता है? प्रॉब्लम ये नहीं कि हैकिंग हो रही है, प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी गलतियों से हैकिंग हो रही है। जब ये बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स और बड़ी बड़ी टेक जायंट कंपनीज भी हैकिंग का शिकार हो जाती है तो हम क्या चीज़ है? जैसे रणवीर का चैनल हैक हुआ, टेक वंदना ने अपने पॉडकास्ट में बताया उसके भी दो चैनल्स हैक हुए, ज्ञान थेरेपी और टेक्नोरूएस के भी गूगल एडसेंस ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गए बिना उनकी परमिशन से। और ठीक ऐसे ही रेल यात्री, कोविन पोर्टल, BSNL, रिलायंस, टाटा, हर साल ऐसी कंपनीज हैकिंग का शिकार होती है। आज आपको मैं इस वीडियो में ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज दोस्तों आप हैक हो जाओ उससे पहले इस वीडियो को देख लो। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रणवीर अलाहाबाद के यूट्यूब चैनल से। एक्चुअली कोई भी यूट्यूबर होता है वो खुद कभी भी एडिट, अपलोड या चेंजेस नहीं करता, वो काम उसके एडिटर्स करते हैं। अब रणवीर अलाहाबाद ने क्या किया, अपनी मेल आईडी उन एडिटर्स को देने की बजाय एक यूट्यूब का फीचर का यूज किया। देखो यूट्यूब में एक फीचर आता है एडिटिंग का, व्यूइंग का और मैनेजिंग का, जिससे हम दूसरे मेल आईडी को अपने यूट्यूब चैनल का एक्सेस दे सकते हैं। यानी कि एडिटर्स अब अपनी मेल आईडी से मेरा यूट्यूब चैनल कंट्रोल कर सकते हैं और यही फीचर का यूज रणवीर अलाहाबाद ने किया। और इसी चीज को समझते हुए हैकर ने रणवीर अलाहाबाद के मेल आईडी को टारगेट करने की बजाय उन सारे एडिटर्स को टारगेट किया जो कि इनके चैनल कंट्रोल करते थे और फिर किसी एक की हैक करके उसने इसके चैनल के साथ छेड़छाड़ कर दी, सारे वीडियोस को डिलीट कर दी, टेस्ला नाम में चेंज कर दिया और वीडियोस क्रिप्टोकरेंसी की अपलोड कर दी। और यही सेम टू सेम प्रोसेस हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर था, नाम तो नहीं बता सकता, रील बनाते बनाते उसके 1,00,000 फॉलोअर तो हो ही गए थे और इसी खुशी में मेटा से उसके पास एक मेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार आपके 1,00,000 फॉलोअर पूरे हो गए, बताइए हो आपको इसी बात पे दिया जाता है ब्लू टिक, इस लिंक के ऊपर जाके अपनी आईडी को वेरीफाई कर लीजिए और ब्लू टिक ले लीजिए। और इसी खुशी खुशी में उसने उस लिंक पे क्लिक किया, अपने मेल आईडी पासवर्ड डाले, उसने OTP वगैरह डाला 2-step वेरिफिकेशन का और इतने में क्या हुआ पता है, वो वेब पेज नकली था, ये कनेक्टेड था हैकर के कंप्यूटर से, सारे मेल आईडी पासवर्ड 2-step वेरिफिकेशन के OTPs वहाँ चले गए और वहाँ लॉगिन हो गया एंड उसका पेज हैक हो गया। जो लिंक इस इंस्टाग्राम को सेंड करी गई थी उसे कहते हैं फिशिंग लिंक्स। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा होने वाला अटैक है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक हम अपने हाथों से उसको एक्सेस की परमिशन ना दे दे, यानी कि होती तो हमारी गलती से ही है। ये बेसिकली क्या होता है, एक नकली वेबसाइट होती है सेम टू सेम इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्लिपकार्ट पे, यूट्यूब, मेल आई डी सेम टू सेम होती है पूरी की पूरी, बस फर्क होता है ऊपर URL का और वो दिखाई जाती है, कुछ लालच ऑफर करके आगे वाले से यानी विक्टिम से उसमें लॉगिन कराया जाता है। ये मैंने अपने फ्रेंड के साथ भी खूब किया है, मैं आपसे वो स्टोरी शेयर करता हूँ। बचपन में मैंने टर्मक्स डाउनलोड करके इंस्टाग्राम पर एक नकली वेब पेज बना दिया, फिर उसकी लिंक शेयर करी अपने फ्रेंड्स को और उसको बोला कि भाई इस लिंक पर क्लिक करके मेरी फोटोज़ को सिर्फ लाइक कर दे जिससे मुझे और तुझे दोनों को 5-5 फॉलोअर मिल जाएंगे। और उसने लालच में आकर उस लिंक पर क्लिक किया और लॉगिन कर दिया और इतने में जो आईडी पासवर्ड उसने उस वेब पेज से लॉगिन किए थे वो सारे मेरे टर्मक्स पर आ गए, यानी कि मुझे मिल गए। आई हैक्ड माय फ्रेंड्स इंस्टाग्राम। ये जो फिशिंग अटैक्स होते हैं उनके वेब पेजेस डिक्टो सेम टू सेम होते हैं, बस फर्क होता है URL का, amazon.com की जगह ama.john.com हो सकता है, hdfc.com की जगह hd.fc.com हो सकता है, indiapost.com की जगह indiepost.com हो सकता है। तो इसे बचने का एक ही तरीका है, खाली वेब पेज को ना देखो, URL को भी देख के उसको पहचानना सीखो। फिशिंग के बाद सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं मालवेयर अटैक। इसके अंदर वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर ऐसे ऐसे चीज़ें बाहर से हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करी जाती है। इसको पता है वो हमारे कंप्यूटर का एक पार्ट बन जाता है, यानी कि हमारा शरीर का एक हिस्सा बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और पूरा डाटा हमारे इंफॉर्मेशन बाहर हैकर के पास जाते रहते हैं। ये बेसिकली तब ज़्यादा होता है जब इंडियंस जुगाड़ू बनने की कोशिश करते हैं, कोई पेड सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, ऐसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर या पायरेटेड मूवीज डाउनलोड करने की वेबसाइट पर हम जाते हैं, हम वहाँ पर वेरीफाई कंटेंट के साथ क्लिक करने की कोशिश तो करते हैं और उसी टाइम क्या होता है, ऑटोमेटिकली चार लिंक और ओपन हो जाती है।
अब यहाँ ध्यान से समझो क्या होता है। स्टेज वन भी हो सकता है वो वेबसाइट नोटिफिकेशन के नाम पर आपसे परमिशन पूछे अलाउ या ब्लॉक की। क्या पता वो नोटिफिकेशन के नाम पर कैमरा लोकेशन या आपकी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन ले जाए। स्टेज टू में क्या होता है वो आपसे एक एक्सटेंशन क्रोम में इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं। और यस ये कई बार होता है। मैं आपको एक मस्त सा एग्जांपल देता हूँ। ग्रामरली तो खूब लोग जानते ही होंगे। क्रोम एक्सटेंशन के अंदर अगर हम ग्रामरली को इंस्टॉल कर दें ठीक है इतना तो हो गया। उसके बाद जैसे हम गूगल डॉक्स के अंदर गूगल शीट्स के अंदर कुछ टाइपिंग करते हैं अब ग्रामरली क्या काम करता है हम जो भी गलत वर्ड टाइपिंग करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं उसको करेक्ट करने का काम करता है ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ जो भी हम टाइपिंग कर रहे हैं टेक्स्ट वगैरह उस सबका एक्सेस ग्रामरली के पास है। फिर हम चाहे जीमेल के अंदर पासवर्ड एंटर करें या फेसबुक के अंदर आईडी पासवर्ड उस सबका एक्सेस तो ग्रामरली के पास है। यही होता है स्टेज टू के अंदर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हमें एक्सटेंशन ऐड करने के लिए कहा जाता है और वो हमारे ब्राउजर का पूरा एक्सेस ले जाता है। हालांकि प्रॉब्लम ये नहीं कि हम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर दे प्रॉब्लम तब आती है जब हैकर्स ऐसी अननोन कंपनीज को हैक कर ले और फिर हमारा डाटा जो इनके पास था वो हैकर के पास चला जाता है। और स्टेज थ्री में हमें कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड जब आपको कोई पेड चीज फ्री में मिल रही होती है आप वो इंस्टॉलेशन कर रहे होते हो। इतने पता है क्या होता है ये जो मालवेयर होता है वो आपके कंप्यूटर का एक हिस्सा बन जाता है और पीछे से हैकर को डाटा बेचता रहता है। स्टेज फोर बताऊँ उससे पहले इन वेबसाइट को समझो। वेबसाइट की URL एक्चुअली बाईवेन की तरह होती है एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। S वाला सिक्योर है और बिना S वाला सिक्योर नहीं है तो ये हमें पहचाना आना चाहिए। एंड फिर क्या पता उस ऑटो ओपन हुई वेबसाइट में से एक ये भी हो एंड जब तक वो टैब क्लोज नहीं हो जाता तब तक वो ब्राउजर में से आपके डाटा इधर से उधर करता रहता है। फ्रेंड्स मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा यही रहेगी कि पायरेटेड वेबसाइट पर तो जाना ही नहीं चाहिए अनलेस आपके PC या सिस्टम में इंपॉर्टेंट डाटा ना हो। रिसेंट में तो एक तो हैकर से मेरा भी पाला पड़ा। जरा सुनो अब से कुछ टाइम पहले ही मैंने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट किया था हालांकि वो तो फेल हो गया। बट आप देखो ये रही वेबसाइट जहां हम साइट्रस जूसर को सेल करते थे। जैसे ही मैंने फेसबुक पे एड्स रन करी उन हैकर्स का मैसेज मेरे पास आया। अब देखो वो एक ई कॉमर्स टीचिंग एजेंसी बनकर मुझसे बात कर रहे थे मुझे ज्ञान दे रहे थे मुझे सिखा रहे थे कि भाई वेबसाइट में ये इंप्रूवमेंट करनी चाहिए जिससे आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक करेंगी हाई कन्वर्जेंस आएगी हाई सेल्स आएगी। मैंने कहा ठीक है ज्ञान देते रहो लेता रहा। फिर एक टाइम बाद उसने ये कहा कि भाई यहाँ पे कॉन्वर्ट करना थोड़ी सी मुश्किल है आप एक काम करें जेंगी पर हम बात करते। जेंगी मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना। मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड फिर उसका फाइनल मैसेज है कि भाई इस लिंक पर जाके हमारी वेबसाइट को देखो और उससे सीख कर अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करो। हम भी कोई कम थोड़ी ना थे। मैंने उस वेबसाइट को लॉन्ग प्रेस किया और अब ध्यान से देखो यहाँ पे S वाला सिक्योर नहीं सिर्फ HTTP वाली वेबसाइट है। और फिर मैंने इसको एक तगड़ा वाला जवाब दे दिया। और हैकर यहाँ पे रुका नहीं उसके 3-4-5 दिन बाद उस हैकर ने Shopify हेल्प डेस्क बन के वापस मुझे मेल किया और वो मेल इतना रियल लग रहा था जिसे पढ़ के मैं रियल में डर गया। एक्चुअली जो मैंने वेबसाइट बनाई है जो क्रिएट की है उसमें मैंने कुछ इलीगल आइटम सेल करने की कोशिश की है तो आपको बहुत बड़ा फाइन देना पड़ सकता है और जिसे शॉर्ट आउट करने के लिए आप इस वेबसाइट पर क्लिक करके फॉरम में कंप्लेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखो वेबसाइट शो नहीं हो रही है क्लिक हियर के अंदर लिंक छुपाई हुई है बट अगर हम इस लिंक को लॉन्ग प्रेस करके रखिए तो वापस से S वाला सिक्योर नहीं है यानी कि ये हैकेबल वाली लिंक है। सो वापस से इसको एक तगड़ा वाला जवाब दिया। अगर आप ये समझते हो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही हैकिंग होती है तो इसके भरोसे बिल्कुल मत रहना। हार्डवेयर से भी हैकिंग होती है। आपके पास जो कीबोर्ड है आपके पास जो USB केबल है आपके पास जो पेन ड्राइव है हो सकता है वो एक हैकर का पार्ट हो। एक्चुअली कई बार होता है कि हम ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं ट्रेन या फिर एयरपोर्ट्स पे और वहाँ पे हमारे फ़ोन या लैपटॉप की बैटरी लो हो जाती है और हम चार्जिंग स्टेशन पर जाते हैं हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए या कई सिचुएशंस में हम किसी और से चार्जर्स मांग लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स मार्केट में ऐसे चार्जिंग केबल्स पेन ड्राइव्स और कीबोर्ड्स भी आते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर फिट रहता है और वो हैकर से कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है और अगर आपने उसको यूज़ कर लिया तो फिर आपके डिवाइस का डाटा कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। जब तक आपका फ़ोन उस चार्जिंग में है या उस कीबोर्ड पर लगा हुआ है या फिर वो पेन ड्राइव आपसे कनेक्टेड है तब तक वो हैकर आपके फ़ोन से कुछ भी डायल कर सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर ऐप आपके सिस्टम का पार्ट बना के छोड़ सकता है। फिर बाद में आपने उसको कनेक्ट भी कर लिया ना तो भी वो हैकर उस ऐप से सारे सारा डाटा आपका लीक करता रहेगा और आप साइबर अटैक का एक पार्ट बन सकते हो। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि कहीं भी आप आउट ऑफ जाते हो तो एक पावर बैंक साथ कैरी करके जाओ उसी से अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप को चार्ज कर लिया करो। और सिर्फ ट्रैवलिंग के टाइम में नहीं या कोई नकली बाजार या सस्ते मार्केट से अगर आप कीबोर्ड चार्जर या फिर पेन ड्राइव खरीदते हो तो वो भी बंद कर देना प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट से लेना नहीं तो क्या पता जो 200 रुपये में 1 TB पेन ड्राइव दे रहा था वो कोई भारी ना पड़ जाए। आपने कभी ChatGPT का यूज़ किया है तो जैसे हमारे लिए ChatGPT गूगल बार्ड और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है ठीक वैसे ही फ्रॉडर के लिए FraudGPT है एक ऐसा AI इंजन है जो पूरे फ्रॉडर के ही डाटा से ही उसको ट्रेन किया गया है।
मान लीजिए मैं हैकर हूँ और मुझे इस बंदे की हैकिंग करनी है। अब इसका नाम है महिपाल चौधरी, इसकी एज ये, इसका नंबर ये, इसका मेल आईडी है, ये सब देख के मैं अगर उससे पूछूँ इसके साथ क्या क्या मैं अटैक्स कर सकता हूँ तो मुझे 100 प्रकार की लिस्ट दे देगा। और अगर मैं बताऊँ ये बंदा एक इन्फ्लुएंसर है तो मुझे बता देगा ये ब्लू टिक का स्कैम करो। और आगे अगर मैं इसको बोलूँ ये टेलीग्राम भी चलाता है तो टेलीग्राम के भी 10 प्रकार के स्कैम बता देगा। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। अगर आपको फिशिंग अटैक से बचना है तो हमेशा उस लिंक्स को चेक करें कि वो लिंक्स ओरिजिनल है या नहीं। फिर साथ में ये भी चेक करें कि HTTPS वाला सिक्योर है या नहीं। मालवेयर अटैक से बचने के लिए ट्राई करें कोई पायलटेड वेबसाइट पर जाए ही ना। आप अपना सिस्टम, ब्राउजर और सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। हो सके तो एक पेड वाला एंटीवायरस ले लीजिए, फ्री वाले में मत जाना। इससे अच्छा तो माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर ही है, पर ध्यान रहे इस डिफेंडर को, इस रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ मत कर लेना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। हार्डवेयर हैकिंग से बचने के लिए किसी पर भी ट्रस्ट ना करो। खुद का कीबोर्ड लेके साथ में ट्रैवल करो, खुद का ही चार्जर लेके जाया करो, और चार्जर ना हो सके तो पावर बैंक जरूर ले जाना। और ट्राई करना कोई भी सस्ती वेबसाइट से आप परचेस ना करो। अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चार्जर्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई या फिर कीबोर्ड्स को परचेस किया करो। एंड दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया है वो दुनिया के साइबर अटैक का 1% भी नहीं है। ऐसी आपको कई और वीडियो और नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, उसको पार्ट 2 बनाने के लिए कमेंट करें साइबर अटैक पार्ट 2। एंड दोस्तों, ये चैनल काफी छोटा सीखे और काफी प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।